Hello everyone, the question is, a text is made up of the characters A, B, C, D, E, each occurring with the probability, and probability is given here. The optimal Huffman coding technique will have the average length of. So question में हमको characters and उनकी probability यहाँ पे दी गई है, जिनको हमने यहाँ पे ascending order में put कर दिया है. For example, smallest probability है D की, देन डी से ग्रेटर है ए की प्रोबेबिलिटी, देन ए से ग्रेटर है सी की प्रोबेबिलिटी, देन सी से ग्रेटर है ई की प्रोबेबिलिटी, देन ई से ग्रेटर है बी की प्रोबेबिलिटी. अब इन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे एक हफमैन ट्री. सबसे स्मॉल प्रोबेबिलिटी यदि हम लोग देखें तो वो है डी एंड ए. सो डी एंड ए को मर्ज करने पे हमें मिला 0.2. नाउ 0.2 में हम मर्ज करेंगे 0.16 को, सी मर्ज करने पे हमें मिलेगा 0.36. अब 0.36 में हम मर्ज करेंगे ई को विथ 0.24, सो ई को मर्ज करने पे हमें मिलेगा 0.6. नाउ 0.6 में हम मर्ज करेंगे बी को, डेट इज़ विथ प्रोबेबिलिटी 0.40, सो फाइनली हमें मिलेगा 1.0, मीन्स 1. सो हफमैन ट्री बन के रेडी है. अब हम लेफ्ट एज को 0, राइट एज को 1 वैल्यू पुट कर देते हैं. एक्चुअली हफमैन ट्री होता क्या है, ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न क्या है, ये हम प्रीवियस एपिसोड में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं. सो हफमैन ट्री से हम कैरेक्टर्स के लिए हफमैन कोड यहाँ पे निकाल सकते हैं. अगर हम डी के लिए कोड देखें, हमें क्या मिल रहा है, 1110, मीन्स 1110. यदि हम देखें ए के लिए कोड, ए के लिए हमें कोड मिलेगा 1111, मीन्स 4 times 1. सी के लिए हमें कोड मिल जाएगा 110. ई के लिए हमको कोड मिलेगा 10. एंड बी के लिए कोड मिल जाएगा 0. अब हमारे पास कोड भी है और प्रोबेबिलिटी भी है. अब हमको निकालना है लेंथ. तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ बिट्स है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी का. प्रोबेबिलिटी मीन्स नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्यूरेंस. तो यदि हम देखें डी, डी की लेंथ कितनी है, 4 बिट्स है, 3 times 1 है, 1 times 0 है, तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे कितने आ गए, 4. इंटू प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.09. देन अगर हम ए के लिए देखें, नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 4. प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.11. देन अगर हम सी के लिए देखें, नंबर ऑफ बिट्स है 3 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.16. अगर ई के लिए देखें, नंबर ऑफ बिट्स है 2 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.24. एंड बी के लिए यदि हम देखें तो नंबर ऑफ बिट्स है 1 एंड प्रोबेबिलिटी है 0.40. सो हमको लेंथ मिल जाएगी कुछ इस तरह से हर कैरेक्टर के लिए. अब हमें एवरेज लेंथ के लिए इन सभी की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा. ये 0.36 प्लस 0.44 प्लस 0.48 प्लस 0.48 प्लस 0.40. यदि हम सम करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2.16. सो दिस इज़ अवर आंसर. आई होप आपको आज का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड इस एपिसोड में आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए. नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.